हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ नए टिप्स शेयर करने जा रही हूं और आशा करती हूं कि आपको ये सारे जो मैं टिप्स बता रही हूं ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह के लाइटर को होल्ड करने के लिए होल्डर्स हमको लाइटर के संग प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक बार हम यूज़ कर लेते हैं इस तरह के कई होल्डर्स हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। तो मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ। हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो मोबाइल भी कई बार साथ में देखते रहते हैं, लेकिन काम करते करते मुश्किल होता है, तो इस टाइप के होल्डर को आप मोबाइल होल्डर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे मैं डबल साइडेड टेप को यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ आप गैस पे खाना बनाते हैं उसके पास में ही, जहाँ पर भी आप ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पर इस होल्डर को स्टिक कर लीजिए, और देखिए इसके ऊपर आप अपना मोबाइल रख दीजिए, और ये बहुत अच्छा मोबाइल होल्डर की तरह काम करता है। और मैं तो अपने किचन में कुकिंग करते करते अपने फेवरेट वीडियोज़ भी यहाँ पर देखती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किचन में काम करते करते मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह के होल्डर्स आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम धनिया लेकर आते हैं तो इसको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। कुछ लोग तो इसको ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि धनिया वॉश करने के बाद अगर हम यूज़ करते हैं तो वो सड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं धनिए को अच्छे से वॉश करने के बाद जो वॉशिंग मशीन होती है उसके स्पिन वाले एरिया में इसको डाल के मैं बहुत कम देर के लिए, लगभग आधे मिनट के लिए इसको स्पिन कर लेती हूँ। और देखिए जो हमारा कोरिएंडर है ये एकदम से ड्राई हो जाता है और एकदम फ्रेश रहता है। और अब आपको जब यूज़ करना है, एकदम साफ़ सुथरा कोरिएंडर आपके पास है, बस निकालिए और यूज़ करिए। अगर आप डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में कोरिएंडर नहीं डालना चाहते हैं तो इस टाइप का जो फैब्रिक का बैग आता है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो हमारा धनिया है ये एकदम सूख चुका है, आपको मैं टिश्यू पेपर से दिखाती हूँ। इसको मैंने स्पिन करने से पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब बस जब मुझे सब्जी वगैरह किसी में भी डालना है तो बस निकालिए, कटिंग कीजिए और यूज़ कर लीजिए। अब इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं जो न्यूज़पेपर होता है उसको ले रही हूँ, उसमें आप इसको फोल्ड करके रख दीजिए। कोई भी बॉक्स जो आप कोरिएंडर वगैरह रखने के लिए प्लास्टिक बॉक्स जो यूज़ भी करते हैं उसको आप ले लीजिए और उसमें इसको स्टोर कर दीजिए। और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि इसकी जो ख़राब लीव्स वगैरह होती हैं वो हमने पहले ही निकाल दी होती हैं, और वॉश होने के बाद ये क्लीन भी होता है, तो ये लंबे टाइम तक चलता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको जो मैं टिप बता रही हूँ वो जो हम जिंजर को ग्रेट करते हैं ग्रेटर के बारे में है। जब हम चाय बनाते हैं तो अदरक जो होती है हमारी उसको हम ग्रेट करके इसको यहाँ वहाँ रख देते हैं, और फिर दोबारा ये जगह पर नहीं मिलता है। तो जहाँ पर आपने अपना सारा चीनी पत्ती वगैरह रख रखा होता है इसको आप वहीं पर हैंग कर दीजिए, तो आप जब भी चाय बनाएंगे तो ये आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो इसको हैंग करने के लिए मैं ये वाले स्टिक हुक्स ले रही हूँ, और देखिए इसको मैं यहाँ साइड में हैंग कर दूंगी। अब जब भी मुझे चाय बनानी है तो ग्रेटर वहीं पर मिल जाएगा जहाँ पर मेरी चाय बनाने का और सामान रखा हुआ है। अगला टिप भी फ्रेंड्स इसी ग्रेटर को लेकर है। जब इसको हम लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है और ग्रेटिंग का काम अच्छे से नहीं कर पाता है। तो मैं आपको एक नया टिप बताने वाली हूँ, इससे आपका ग्रेटर शार्प हो जाएगा। ये कुछ दिवाली के बचे हुए दिए हैं मेरे पास। इसको जो हम ग्रेटर होता है इसके ऊपर हमें चारों तरफ हर तरफ घुमा घुमा के ग्रेट करना है, और देखिए हमें अच्छे से इसको सारी तरफ करना है। इससे जो हमारा ग्रेटर है बार बार करने से ही शार्प हो जाएगा। लगभग हाफ दिया करीब मैं इस पे ग्रेट कर ले रही हूँ। अब फ्रेंड्स इसको मैं आपको वॉश करने के बाद यूज़ करके दिखाती हूँ। देखिए इसको मैंने वॉश कर लिया है, अब यहाँ पर मैं अदरक को ग्रेट कर रही हूँ, तो ये बहुत फास्ट हो रहा है और सारी अदरक ग्रेट हो जा रही है।
अब फ्रेंड्स, ये जो इसका चूरा बचा है इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसको भी यूज़ कर लेना है। तो इसमें मैंने आधा स्पून करीब सोडा डाला है, मीठा सोडा, और उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लिया है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी मेरे पास एक पुराना लोटा है, इसको मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है, ये ऐसा ही रखा हुआ था। तो बस हल्का सा हमें इसको अपने लोटे के ऊपर रब कर देना है, और फ्रेंड्स देखते ही बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, ये जो लेमन का पील होता है मैंने इसको लिया है, और इससे आप आराम से इसको रब कर सकते हैं, इससे आपका काम और इजी हो जाता है। चलिए, अब इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, मैं हाफ ही आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको डिफरेंस पता लगे कि पहले कैसे था और इससे क्लीन करने के बाद हमारा जो बर्तन है वो अब कैसा हो गया है। चलिए इसको वॉश कर लेते हैं, और देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर पानी डाला ये कितना ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। कॉपर का बर्तन जब हम इसको क्लीन कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा दिन तक इसी तरह से चमकता हुआ रहे, तो उसके लिए आपको एक टिप फॉलो करना पड़ेगा। आपको कोई सा भी कुकिंग ऑयल या कोकोनट ऑयल ले लेना है, कुछ ड्रॉप्स ही बस, और इसको आपको अपने बर्तन के चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। इस तरह से ऑयल लग जाने के बाद जो आपका कॉपर का बर्तन है ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा और इसी तरह से लंबे टाइम तक चमकता हुआ रहेगा। फ्रेंड्स, लेमन को स्टोर करना भी इतना इजी नहीं होता है। अगर आप इसको इस तरह से खुला रखते हैं तो ये सूख जाता है और लाल पड़ जाता है, और किसी बॉक्स में रख देते हैं तो इसका जो छिलका होता है वो सड़ जाता है। तो उसके लिए आप इस तरह के नेट वाले जो बॉक्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और ये बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी पुराना प्लास्टिक का मिठाई वगैरह का बॉक्स लेकर उसमें होल कर दीजिए और उसमें लेमन को स्टोर कर लीजिए। इससे इसमें हल्की सी नमी बनी रहेगी और इसका पील सूखेगा भी नहीं और सड़ेगा भी नहीं। अब फ्रेंड्स, आपको मैं लेमन्स को स्टोर करने का एक और नया तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिए, बस कुछ ड्रॉप्स ही काफ़ी रहेगा, और कुछ न्यूज़पेपर ले लीजिए। अब जितने भी आपके लेमन्स हैं उनके ऊपर आपको जो ऑयल है इसको हल्का सा लगा लेना है और पूरे लेमन के ऊपर स्प्रेड कर देना है। और ये जो हमने न्यूज़पेपर लिया है अब आपको इससे इस न्यूज़पेपर में लेमन को कवर कर लेना है। इस तरह से आप फोल्ड करिए तो आपका जो फोल्ड है ये खुलेगा भी नहीं, और बस इस तरह से आप अपने सारे लेमन्स को पैक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे लेमन्स को आप फोल्ड करके पैक कर लीजिए और किसी भी प्लास्टिक बॉक्स में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, नेट वाला होना ज़रूरी नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको मैंने आज वीडियो में जितने टिप्स शेयर किए उनमें से कौन सा टिप सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के और यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।